दिस इज मानसी गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोसाइंस अरीना। सो आज के इस वीडियो में हम किसी चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सीबीएसई ने एक नोटिस निकाला है। अब वो नोटिस है क्या, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, इस साल यानी कि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से जो स्टडी है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, वो काफ़ी लॉस में जा रही है, जिसकी वजह से स्कूल्स भी नहीं खुल पा रहे हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए सीबीएसई ने एक नया नोटिस निकाला है क्लास 9th to 12th बच्चों के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे इस सर्कमस्टांसिस को देख के कि काश हमारा सिलेबस कम हो जाए या कुछ ऐसा रूल हो जो उनके फेवर में हो। तो मे बी आपकी सीबीएसई ने सुन ली है और क्लास 9th to 12th बच्चों के लिए 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक अब आपको इस साल नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें मैं आज बताऊंगी आपको क्लास 10th साइंस के सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारी क्लास 10th साइंस बुक में 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, सेकेंड यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, थर्ड यूनिट है नेचुरल फिनोमेना और फोर्थ यूनिट है इफेक्ट ऑफ करंट और लास्ट यूनिट है नेचुरल रिसोर्स। तो हम पहली यूनिट की बात करते हैं, जिसमें कि केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में आपको सारा सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट भी आपको पूरा पढ़ना है। दोनों चैप्टर काफ़ी शॉर्ट हैं, इजी हैं, इसलिए इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें आपका बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस यानी कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन डिटेक्ट हुआ है, यानी कि डिलीट हुआ है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में से काफ़ी सारा मटेरियल डिलीट हुआ है, जो हर साल बोर्ड में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर आते थे। तो कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, जैसे कि नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइन्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम 10th के बोर्ड के हिसाब से देखें, लेकिन अब आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। और क्या टॉपिक इसमें रिलीज हुए हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसमें से काफ़ी कुछ पूछा जाता था बोर्ड में, लेकिन अब आपको ये भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। यानी कि कंबस्चन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे। और सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो अब आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर है 5th यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर अगर केमिस्ट्री के वे में देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको फर्दर क्लासेस में भी इस चैप्टर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो हम आते हैं यूनिट नंबर 2 यानी कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग। बायोलॉजी की यूनिट है, जिसमें 4 चैप्टर हैं, 6, 7, 8 एंड 9। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, यानी कि लिविंग प्रोसेस, जो कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें से कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि इजी चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ इसमें। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ है, जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स एंड हार्मोन। यानी कि ये समझ लीजिए, आपको इसमें कुछ पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, जो मेजर टॉपिक्स थे वो तो सब रिड्यूस हो चुके हैं। हार्मोन्स के बारे में, प्लांट और एनिमल हार्मोन्स के बारे में इसमें पढ़ना होता था, तो वो आपको नहीं पढ़ना। पूरा नर्वस सिस्टम, जो कि मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, वो भी आपको नहीं पढ़ना इसमें। अगला है चैप्टर नंबर 8 यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये भी चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है।
अब चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो आते हैं हम यूनिट नंबर 3 यानी कि नेचुरल फिनोमिना। तो इसमें दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10 और 11। चैप्टर 10 यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 11 यानी कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें भी इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट ही डिलीट कर दिया है, जैसे कि फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई डिलीटेड, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस ये भी नहीं है, एप्लीकेशंस भी नहीं पढ़ने आपको स्फेरिकल मिरर के, और लेंस के बारे में भी नहीं पढ़ना है। तो मेजर जो टॉपिक्स हैं वो इसमें डिलीट आपके कर चुके हैं। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4 यानी कि इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 12 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पूरा आपको पढ़ना है, इसमें कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है अगर फर्दर क्लासेस में अगर आपको पढ़ोगे। हालांकि सभी चैप्टर सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप फिजिक्स से कुछ भी करते हो तो सभी टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं चैप्टर 13 यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें भी जो मेजर टॉपिक्स थे वो तो गायब ही कर दिए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, एडवांटेजेस ऑफ एसी एंड डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये भी आपका डिलीट कर दिया है, जिसमें आप पैरेलल और सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते थे वो पढ़ना है आपको, लेकिन डोमेस्टिकली जो यूज होते हैं वो आपको नहीं पढ़ना। तो अब आते हैं हम यूनिट नंबर 5 यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें तीन चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी ये भी डिलीट कर दिया है पूरा, यानी कि क्या नहीं पढ़ना है आपको इसमें, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं पढ़ना, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर 15 और 16 यानी कि अवर एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये काफ़ी इजी चैप्टर हैं, तो आपको ये पढ़ने होंगे। तो ये था साइंस का सिलेबस जो अब आपको सिर्फ थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन अब इससे बेनिफिट क्या है, ऑब्वियसली बच्चे तो खुश होंगे कि उनका सिलेबस कम हो गया, हमें कम पढ़ना पड़ेगा, तो मार्किंग स्कीम उनकी अब अच्छी हो सकती है। लेकिन इसमें मेजर लॉस क्या है कि जो आपकी नॉलेज है वो भी 30% लेस हो जाएगी। तो अगर आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जो 10th और 12th के बेस पे होगा, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बाद में पढ़ना पड़ेगा। अब CBSE के हर स्ट्रीम के सब्जेक्ट में से सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% सिर्फ 9th to 12th क्लास के बच्चों के लिए। पर यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा सिलेबस के बारे में बताया है, और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन है यानी कि 30% हर सिलेबस में से रिड्यूस हुआ है, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, CBSE की ऑफिशियल लिंक है। चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हों या साइंस स्ट्रीम के बच्चे हों, हर सब्जेक्ट के बारे में उसमें मिल जाएगा आपको। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी आपको उस PDF में मिल जाएगा।